और इस केस के खुल जाने की वजह से जो 100 गुंडे तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे उसका क्या करोगे तुम? किस किस से बचाओगे रायमा को? मम्मी आपने खुद ही तो कहा था रब पे भरोसा रखूं, अब वही तो कर रहा हूं मैं। और हम तो हक के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, रब हक के साथ है। बस अरहम बस, मेरे साथ डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। और ये खानी पहले अपने भाई को खा गई और अब मेरा बेटा। चुप इफ़त, चुप। पापा जी, जा रहा हूं मैं लॉयर से मिलने। पापा जी, आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, अकेली पड़ गई हूं मैं इस औरत की वजह से। तू अपनी वजह तो कली रह गई है, अपनी वजह तो। हेलो। हेलो जी, सितारा बात कर रही है। जी हाँ, आप कौन? मैं अरहम। कौन अरहम? आप मुझे नहीं जानती। कैसी माँ है आप, जिसकी बीवी को आपके बेटे ने एन शादी वाले दिन किडनैप कर लिया, आप उसे नहीं जानती? क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया। मेरी बीवी और उसके घर वालों के दिल से जो बोझ हल्का किया है ना आपने, उसके लिए शुक्रिया। और बकवास तो अब शुरू होगी जब केस खुलेगा मीर हादी के खिलाफ, सारिम के कत्ल का। तुम जानते हो कि तुम किसके बेटे पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो? हाँ जानता हूं, मीर हादी मीरशा का बेटा। सो व्हाट? तो फिर इस खेल का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये खेल तो आपके लिए है, हमारी तो ये जिंदगी है। हमें किसी को भी अपनी जिंदगी के साथ कोई खेल खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। ये तो वक्त ही बताएगा तुमको। वक्त किसी का नहीं होता आंटी, हो सकता है इस बार वक्त आपको दगा देने के लिए खड़ा हो। अपनी फजूल बकवास बंद करो। बकवास? मेरी बीवी की इज्जत का मामला है ये, और मैंने तो वैसे भी आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि तैयार हो जाएं, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। ड्राइवर, गाड़ी वेन्यू की तरफ ले।
कहाँ थी? मेरा मतलब आ नहीं रही थी। इंतजार करते हो मेरा? नहीं, बस आदत सी हो गई है। आदतें बदलना मुश्किल होता है। आदतें तो बुरी बदली जाती है ना, तुम मुझे कुछ बुरा थोड़ी सिखाती हो, तुम तो मुझे अच्छा ही सिखाती हो। तुम्हें पता है जो सवाल मुझे तंग करते थे ना, उन सबका जवाब मुझे तुमने दिया है। दिल में एक अजीब सा सुकून बढ़ गया है। इसका जो मकाम मुझे तुमने सिखाया ना, वो किस्मत वालों को ही समझ आता है। तो अब अपनी किस्मत पे नाज है? हाँ, पहले शिकायत थी, फिर सवाल था, और अब सुकून है। ऐसे जैसे अब कोई इस्तराब नहीं रहा हो। जिंदगी की जितने लहरें थी बस ठहर गई हैं। ऐसे जैसे जो चाहता था वो मिल गया है, जिंदगी में सुकून आ गया। इसका मतलब है अब मुझे जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। कहाँ जाती हो तुम? मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी इजाजत नहीं है। काश काश मिल सकती। काश वाली की क्या बात है, मिल जाएगी। घूम गई होगी, यहीं की मिलेगी तुम्हें। तुम जानते हो इसे? हाँ, तुम कौन हो? बेटी थी मेरी। कब मिले हो? कल रात। क्या? कल रात? हाँ, यहीं गई होंगी परेशान में, तो बस इंतजार करो, वो आएगी तो मैं उसे बताऊंगा और तुम्हारे पास ले आऊंगा। बहुत लगाव था उस जगह से, अक्सर आया करती थी, बीमार रहती थी ना, वो यहाँ आती थी तो कहती थी बाबा मुझे बड़ा सुकून मिलता है। क्या कह रहे हो आप? थी बीमार थी, सुकून मिलता है? हाँ,
वो बीमार रहती थी, 3 साल हुए वो इस दुनिया से जा चुकी है। वो मर गई है, यहाँ पे आती है मेरे पास। हाँ मिलने आती है मुझसे, मुझसे क्यों बात करेगी? अरे नहीं समझा दीवाने, नहीं समझा, भेज दिया हिदायत के लिए उसे और चुन लिया तुझे, उसके भेद वही जाने। ये बात इतनी आसान नहीं है शाह जी, हमें अफसोस इस बात का है कि आपने हमसे हादी बाबा की इतनी बड़ी बात छुपा ली और उसने उस लड़की का अगवा भी किया। ऐसा गुस्सा करने से क्या होगा शाह जी, सच तो सच ही रहेगा। अब आगे का सोचे, करना क्या है, हमने तो पार्टी के साथ ईमानदारी दिखाई और आपने बस। कौन कितना ईमानदार है सब जानता हूं मैं, और ये किस जुबान में बात कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? ठीक है, एक आवाज उठी है, क्या इससे पहले कभी आवाजें नहीं उठी हमारे खिलाफ, हमने कभी नहीं दबाई? एक इल्जाम लगाया है उन्होंने, अभी हमारी क्लेरिफिकेशन भी जानी है, ठीक हो जाएगा सब। पर हां, हमारा वोट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन शाहजी कहेंगे क्या आप? ये आप लोग मुझ पे छोड़ दें। जी, आपने मुझे बुला लिया होता। मत कहो अपने मुंह से मुझे माँ, और तुम ये क्या ड्रामा रचा रही हो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो खानी। पहले झूठ बोलकर मेरे बेटे को फंसाया और अब अपना पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करती फिर रही हो। तुम्हें अपनी सिर्फ जिंदगी की खुशियां चाहिए, अपना सुकून चाहिए, और मेरा बेटा तुम्हारी बला से, वो मरता है तो मरे, फंसता है तो फंसे। माँ जी मुझे पता है मुझसे झूठ बोल के गलती हो गई। बस कर दो खानी, ये मीठी मीठी बातें मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उन्हीं लोगों ने उसे मारा है। क्या गारंटी है कि कल को वो अरहम को। माँ जी बस, क्या माँ जी लगाया हुआ है तुमने? एक बात सुन लो मेरी खानी, अगर मेरे अरहम को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दो मेरे बच्चे को, बख्श दो उसकी जान, बख्श दो। हाँ
हाँ जी ठीक कह रही है, मैं बहुत सेल्फिश हो गई हूँ, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रही हूँ। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो प्लीज ये सब कुछ खत्म कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम्हें लग रहा है कि माँ जी ठीक कह रही है। पहली बात तो ये कि मुझे कुछ नहीं होगा, और दूसरा ये कि हम दोनों को एक दूसरे की ताकत बनना होगा। हनी, जो कदम एक दफा उठा लिया है ना, उससे पीछे नहीं हट सकते। और कब तक ये होता रहेगा कि कोई किसी की जान ले ले और हम इस डर से आवाज ना उठाएं कि वो हमारी जान भी ले लेगा। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर सभी लोग यूं डर के जिएंगे तो ये जो हमारे सो कॉल्ड रखवाले हैं ना, ये हम सबके सर यूं ही कुचलते रहेंगे। आई नो, मैं मानता हूं कि ये लड़ाई मुश्किल है, लेकिन अब लड़नी है और तुम्हें पीछे नहीं हटना, मेरे साथ खड़े होना, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत का मसला नहीं है, मेरी इज्जत का भी है। हाँ पता है अरम, हमारी सोसाइटी में हमेशा से हर चीज उल्टी होती आ रही है। मेरे साथ इतना कुछ हुआ, फिर भी आपने मेरा साथ दिया। हम लड़कियों को इतना डरा दिया जाता है कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। आपने मेरा वो डर भी खत्म कर दिया। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं लड़ूंगी। और आज हम दोनों एक दूसरे से वादा करेंगे, इस जंग में चाहे हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाए, दूसरा ये जंग जारी रखेगा। अब इस आवाज का गला कोई नहीं घोट सकता, ना मेरी मौत ना आपकी।